लास्ट ईयर आईसीआईसी लोम्बार्ड ने भारतीय एक्सा को टेक ओवर किया था और अपना एक प्लान लॉन्च किया था जो कि काफ़ी लोग उसको पसंद कर रहे हैं और वो प्लान बाय कर रहे हैं, विच इज़ आईसीआईसी लोम्बार्ड हेल्थ एडवांटेज प्लान। सो हेल्थ एडवांटेज प्लान को रिवैम्प किया है, कुछ चेंजेस करे हैं और उसी के बारे में हम बात करेंगे क्या चेंजेस करे हैं और प्लान में अब आपके लिए क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी जो लोग नए हैं उनके लिए। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के साथ लास्ट 17 ईयर से एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ ईजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी ये है क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट दी राइट इन्फॉर्मेशन एट दी राइट टाइम, जैसे मैं अभी देने वाली हूँ। सो आज हम बात करेंगे आईसीआईसी लोम्बार्ड हेल्थ एडवांटेज 2022 प्लान के बारे में। सो स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कुछ आईसीआईसी लोम्बार्ड के बारे में। आईसीआईसी लोम्बार्ड का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 93.4%, इनकर्ड क्लेम रेशियो है 78%, नंबर ऑफ कैशलेस हॉस्पिटल्स है 5100 पैन इंडिया, क्लेम सेटलमेंट इनका इन हाउस टीम ऑफ डॉक्टर्स है जो सेटल करते हैं, तो इन हाउस टीपी है। न्यू प्लान में जो सम इश्योर्ड अवेलेबल है मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम 3 करोड़, पॉलिसी टेन्योर अवेलेबल है 1, 2 and 3 years, आप अपफ्रंट चाहे तो 3 साल तक की पॉलिसी ले सकते हैं। प्लान टाइप जो अवेलेबल है एपेक्स प्लस, जो लोग ऑलरेडी आईसीआईसी लोम्बार्ड हेल्थ एडवांटेज प्लान के बारे में जानते हैं या उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं तो उनको पता है वहाँ पे 3 प्लान्स थे, प्राइम, रॉयल एंड एपेक्स। यहाँ पे सिर्फ एक प्लान है विच इज एपेक्स प्लस, तो बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शंस थे, मल्टीपल ऑप्शंस थे जो आप राइडर्स के थ्रू ऐड कर सकते थे, तो बहुत सारी चीजें राइडर्स से हटा के इनबिल्ट फीचर्स कर दी हैं जो हम आगे देखेंगे। रूम कैटेगरी की बात करेंगे, कोई भी रूम ऑप्ट कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डे केयर प्रोसीजर्स आर कवर्ड अप टू सम इश्योर्ड, डे केयर प्रोसीजर होता है जहाँ पे 24 आवर्स से ज्यादा का हॉस्पिटल में आपको स्टे रिक्वायर्ड नहीं होता है, आप सुबह जाके शाम को घर आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डे केयर प्रोसीजर। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन इज ऑल्सो कवर्ड अप टू सम इश्योर्ड। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन जो घर पे आप ट्रीटमेंट लेते हैं वो 2 conditions होती हैं कि अगर हॉस्पिटल में रूम अवेलेबल नहीं है या पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि हॉस्पिटल ले जा सके, तो वो भी कवर्ड है अप टू सम इश्योर्ड। नेक्स्ट बात करेंगे पॉलिसी में रीफिल बेनिफिट, तो रीफिल बेनिफिट पॉलिसी में जो अवेलेबल है वो अप टू 100% ऑफ सम इश्योर्ड है और किसी भी इलनेस के लिए, सेम पर्सन सेम इलनेस, सेम पर्सन डिफरेंट इलनेस, किसी भी इलनेस के लिए यूज कर सकते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है कि हॉस्पिटल जाने से पहले के एक्सपेंसेस और बाद के एक्सपेंसेस, जैसे कि आप जानते हैं पुराने आईसीआईसी लोम्बार्ड हेल्थ एडवांटेज में ऑप्शन था, आप मॉडिफाई कर सकते थे प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के डेज, यहाँ पे फिक्स्ड है 60 days प्री एंड 180 days पोस्ट। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस अप टू 1% ऑफ सम इश्योर्ड और मैक्सिमम 10,000 rupees पर हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है रोड एम्बुलेंस। नो क्लेम बोनस, इसको गारंटेड क्यूमुलेटिव बोनस भी बोलते हैं, 20% एवरी ईयर मिलता है और मैक्सिमम 100% तक जाता है। और गारंटेड क्यों बोलते हैं कि कल को अगर क्लेम आएगा तो रिड्यूस नहीं होगा, तो एक बार ही आपका 100% तक पहुंच गया वो 100% ही रहेगा लाइफ टाइम। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स आर कवर्ड अप टू सम इश्योर्ड। बेरियाट्रिक सर्जरी जिसे हम वेट लॉस सर्जरी भी बोलते हैं वो भी कवर्ड है इस प्लान में, उसकी लिमिट है अप टू 50% ऑफ सम इश्योर, मैक्सिमम आप 10 लाख तक क्लेम कर सकते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, आपको पता है ऑर्गन डोनर में हार्वेस्टिंग तक के एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं और यहाँ इस पॉलिसी में इट इज कवर्ड अप टू सम इश्योर। ओपीडी बेनिफिट इस पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है, पुराने आईसीआईसीआई एडवांटेज में अवेलेबल था। मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो भी जल्दी लेकर आऊंगी कि पुराने एडवांटेज में क्या था और न्यू एडवांटेज में क्या चेंजेस आए हैं। ओपीडी राइडर अवेलेबल नहीं है, आप चाहते हैं तो एक बीफिट राइडर है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का, वो ऑप्ट कर सकते हैं साथ में, उसकी भी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे है, आप चेक कर सकते हैं। आयुष होता है आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इट इज ऑल्सो कवर्ड अप टू सम इश्योर्ड। आयुष का जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होगा वो कवर्ड होगा सम इश्योर्ड। कॉन्वलेसेंस बेनिफिट, ये होता है कि अगर आपकी हॉस्पिटलाइजेशन 10 दिन से ज्यादा एक्सीड करती है तो एज अ जेस्टर कंपनी आपको 1 time लमसम 20,000 rupees का बेनिफिट देती है, एंड दिस इज ओवर एंड अबव सम इश्योर्ड। अब बात कर लेते हैं कुछ बेनिफिट्स इसमें इनबिल्ट हैं जो पुराने प्लान्स में नहीं थे, जैसे कि आपकी डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस वॉज ऑप्शनल, आपको अलग से ऑप्ट करना था, यहाँ पे आपकी डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस कवर्ड है और अप टू सम इश्योर्ड है, ये ओवर एंड अबव सम इश्योर्ड होता है। मान लीजिए आपने 10 lakhs की पॉलिसी ली और एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो उसका जो अगर वो कॉस्ट है एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो वो कॉस्ट आपके सम इश्योर्ड में से माइनस नहीं होगा, दिस इज ओवर एंड अबव सम इश्योर्ड। और फीचर है जैसे कि वर्ल्ड वाइड कवरेज भी इस पॉलिसी में अवेलेबल है, जिनका सम इश्योर्ड 25 lakhs से ऊपर है वो वर्ल्ड वाइड कवरेज के लिए एलिजिबल है, और वर्ल्ड वाइड कवरेज जो है वो कैशलेस है 10% कोपे के साथ, और मैनेज किया जाएगा इनका पार्टनर है जो इंटरनेशनल पार्टनर, दैट इज फैल्क इंटरनेशनल। एम्बुलेंस असिस्टेंस अवेलेबल है, टेली कंसल्टेशन इस पॉलिसी में अनलिमिटेड है, होम केयर ट्रीटमेंट भी कवर है, अगर आप घर पे हॉस्पिटलाइजेशन कराना चाहें
तो 5% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम 25,000 पे होगा इन केस ऑफ होम केयर ट्रीटमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री वेलनेस टेस्ट इस पॉलिसी में कवर्ड है, वो आपके डे वन से कवर्ड है। 0.5% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम 10,000 रुपीज ये कैशलेस बेसिस पे अवेलेबल है। एपिक्स प्लस प्लान में अब बात करते हैं कौन से ऑप्शनल राइडर्स हैं जो आप एडिशनल प्रीमियम देकर आप ऑप्ट कर सकते हैं। पहला तो है मटर्निटी बेनिफिट। मटर्निटी बेनिफिट इज कवर्ड अप टू 3 डिलीवरीज। यहाँ पे 10% ऑफ बेस सम एश्योर्ड है और मैक्सिमम 10 लाख तक का ही कवरेज दिया जाएगा। दूसरा है न्यू बॉर्न बेबी कवर। जो न्यू बॉर्न बेबी कवर है वो ट्वाइस द मटर्निटी लिमिट होगा, जो भी आप मटर्निटी बेनिफिट क्लेम करेंगे उसका ट्वाइस होगा। और ओवर एंड अबव मटर्निटी लिमिट है उसमें इंक्लूडेड नहीं है, मटर्निटी का अलग रहेगा और न्यू बॉर्न बेबी कवरेज विल बी सेपरेट। वैक्सीनेशंस फॉर न्यू बॉर्न बेबी इन द फर्स्ट ईयर, तो इसका लिमिट है 1% ऑफ बेस सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 10,000 इन अ ईयर, और एक फर्स्ट ईयर के लिए कवर होते हैं वैक्सीनेशन एज पर WHO स्टैंडर्ड। क्रिटिकल इलनेस राइडर भी अवेलेबल है जिसमें लमसम पे आउट होगा अगर क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होता है, जो लिस्टेड क्रिटिकल इलनेसेस होती हैं, और मैक्सिमम आप क्रिटिकल इलनेस कवर 50 लाख तक का ऑप्ट कर सकते हैं। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी अवेलेबल है एज एन ऑप्शनल राइडर, जिसमें आपका एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी कवर है। मैक्सिमम कवर अवेलेबल है 50 लाख। सम इंश्योर्ड प्रोटेक्टर अवेलेबल है। सम इंश्योर्ड प्रोटेक्टर होता है कि जिसमें आपका इन्फ्लेशन के हिसाब से सम इंश्योर्ड इंक्रीज होता है ईयर ऑन ईयर। नेक्स्ट इज क्लेम प्रोटेक्टर। क्लेम प्रोटेक्टर भी अवेलेबल है एज एन ऑप्शनल राइडर, जिसमें आपके नॉन पेएबल आइटम्स कवर होते हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स कवर होते हैं। नेक्स्ट है वेलनेस एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज। वेलनेस एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज इस पॉलिसी में अवेलेबल है। आप इस पॉलिसी को मोबाइल एप्लीकेशन जो इनकी है IL टेक केयर ऐप, उसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं, तो सारी सर्विसेज वहां से आप अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोपेमेंट। तो कोपेमेंट एप्लीकेबल नहीं है इस पॉलिसी में, 0% कोपेमेंट है, बट आपके पास ऑप्शन है, आप 10% या 20% का कोपे लगा सकते हैं, तो उससे क्या है प्रीमियम रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रीमियम प्राइसिंग जो है। प्रीमियम की प्राइसिंग जो है वो जोन वाइज है। देर आर 3 zones, Zone 1, Zone 2, Zone 3। तो आपके जोन के हिसाब से प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। Zone 2, Zone 3 का प्रीमियम लोअर होगा Zone 1 से। एंड अगर आप Zone 2 और Zone 3 का प्रीमियम लेके हायर जोन में ट्रीटमेंट कराएंगे तो कोपेमेंट लगेगी। अब बात कर लेते हैं वेटिंग पीरियड्स की, क्योंकि हमने देखा कि क्या क्या कवर्ड है, तो वेटिंग पीरियड्स और एक्सक्लूजन्स जानना भी जरूरी है। इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज का। फर्स्ट 30 डेज तक आप प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करा सकते हैं। एक्सीडेंटल इमरजेंसी इज कवर्ड फ्रॉम डे वन। दूसरा है स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स, जिसे हम स्पेसिफाइड एक्सक्लूजन्स या स्लो ग्रोइंग इलनेसेस का एक्सक्लूजन भी बोलते हैं, वो है 24 मंथ्स। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड 2 ईयर्स है, इनके पुराने प्लान्स में भी 2 ईयर्स है, तो 24 मंथ्स के बाद प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस आपके कवर्ड होंगे। बेरियाट्रिक सर्जरी जो हमने बात की थी, अगर बेरियाट्रिक ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं तो 3 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है। मटर्निटी अगर आप राइडर ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो 9 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, और 3 साल का प्रीमियम आपको अपफ्रंट पे करना होगा, जो लास्ट एडवांटेज में भी था। क्रिटिकल इलनेस राइडर अगर आप लेते हैं तो उसके लिए इनिशियल वेटिंग पीरियड 60 डेज और 90 डेज का, डिपेंडिंग ऑन द इलनेस, एंड देयर इज नो मिनिमम सर्वाइवल पीरियड। क्या होता है, बहुत सारे क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज में आपको होता है कि इतने डेज सर्वाइव करना पड़ेगा तो पे आउट मिलेगा, यहां पे कोई मिनिमम सर्वाइवल पीरियड मेंशन नहीं है। नेक्स्ट है कुछ डिस्काउंट्स अवेलेबल है पॉलिसी में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला तो आपका है मल्टी ईयर डिस्काउंट। अगर आप 2 ईयर्स और 3 ईयर्स की पॉलिसी एक साथ ऑप्ट कर रहे हैं तो 7.5% डिस्काउंट 2 ईयर पॉलिसी पे और 10% डिस्काउंट 3 ईयर पॉलिसी पे आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप पॉलिसी चाहते हैं सॉफ्ट कॉपी में लेना तो 100 रुपीज आपको डिस्काउंट मिलता है। बहुत ज्यादा नहीं है, बट एक इनिशिएटिव है, गो ग्रीन इनिशिएटिव है कि जितना पेपर कम यूज करें उतना बेटर है। एंड एज इट इज, जैसे मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन से बहुत इजी है मैनेज करना। आप IL टेक केयर ऐप डाउनलोड करें, वहां पे आप पूरी पॉलिसी एक्सेस कर सकते हैं, आपको हार्ड कॉपी पॉलिसी कॉपी की जरूरत नहीं होती है। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है प्रीमियम कैलकुलेशन का, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि प्लान कॉस्ट क्या करता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है Zone 1 का। मैंने दिल्ली का प्रीमियम लिया है एंड फैमिली ऑफ 4, 4 लोगों की फैमिली ली है, जिसमें एज ली है मैंने 45, 43, 15 एंड 12। यहाँ पे प्रीमियम आएगा 10 लाख की पॉलिसी मैंने ली, अभी मैंने कुछ राइडर्स नहीं लिए हैं, राइडर्स आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। 10 लाख की पॉलिसी जो बेसिक पॉलिसी है उसका प्रीमियम है 21,703 रुपीज, इंक्लूडिंग 18% GST। आप 2 ईयर्स 3 ईयर्स का देंगे तो अकॉर्डिंगली उस पर डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाएगा। और प्रीमियम आपका हर 5 ईयर्स के 8th slab पे इंक्रीज होगा, हर 5 साल पे इंक्रीज होगा। जैसे 41 टू 45 सेम है, 46 टू 50 चेंज होगा, 51 टू 55 एंड सो ऑन, इसी तरह से चेंज होता रहेगा। सो ये था मेरी तरफ से ICICI Lombard हेल्थ एडवांटेज वर्जन 2022। कुछ भी क्वेश्चन हो इस प्लान के रिगार्डिंग पूछेगा, हम डिटेल ब्रोशर भी नीचे अटैच कर देंगे आपके लिए। एंड आप हमें रीच आउट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप नंबर एंड ईमेल आईडी गिवन बिलो। कुछ भी फीडबैक देना चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बताना चाहे नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊं वो भी बताइएगा। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीक। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। वेरीफाई करते हैं और आपका जो डिसीजन बाइंग रिटर्न नहीं है, टेक केयर जहां पे आपको पहले टेक केयर। नेक्स्ट बार ओपीडी राइडर यहां पे अवेलेबल, पुरानी पॉलिसी में वर्ल्ड वाइड कवरेज नहीं।